बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट क्लास में हमने जो है वो लास्ट वीक के अंदर वी स्टडीड बेसिकली अबाउट प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड, जहाँ पे हमने प्रेशर एट अ पॉइंट कैलकुलेट किया कि एक अगर हमारे पास फ्लूइड लोकेशन में कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर प्रेशर वेरी करता है या नहीं करता। एंड वी कंक्लूडेड जी के प्रेशर एट अ पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मयरमेंट। ठीक है, जिस मर्जी डायरेक्शन से मयर करें प्रेशर पॉइंट पे सेम रहेगा एज लॉन्ग एज द फ्लूइड फ्लो इज नॉन विस्कस। ठीक है, देर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस बिटवीन दी फ्लूइड फ्लो। तो ये हमने प्रेशर एट अ पॉइंट की बात की। उसके बाद हमने भी डिवेलप्ड दी पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर कैसे वेरी करता है, कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर जाएँ तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा। एंड वी प्रूव दैट थ्रू दिस दैट बेसिक प्रेशर इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर प्रेशर फील्ड इज डेल्टा पी प्लस गैमा द यूनिट वेक्टर के इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर फील्ड, बेसिक इक्वेशन फॉर प्रेशर वेरिएशन और द इक्वेशन फॉर प्रेशर फील्ड। ठीक है, अब आप सब इस इक्वेशन के साथ बड़े अच्छे से फेमिलियर हैं। डेल साइन जो है वो हमारे पास, हमने डेल ऑपरेटर जो है या डेल साइन, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये दिस इज एन बेसिकली क्लोज फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। डेल इज बेसिकली डेल वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई एंड देन पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी के। एंड बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, इसको हमने ये ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ऑफ बेसिक प्रेशर फील्ड एंड द एक्सपेंशन गिवन बिलो वी कंक्लूड दैट ओके जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ प्रेशर पी इक्वल्स टू वॉट जी इन फ्लूइड स्टैटिक्स। क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स हमने कहा था ये एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी, तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वुड बी जीरो। सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वुड बी इक्वल टू जीरो पार्शियल बाय पार्शियल पी विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू जीरो। सो वी प्रूव दैट देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं है, द ओनली प्रेशर वेरिएशन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पी बाय पार्शियल जेड इक्वल्स टू माइनस गैमा। बिकॉज देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सो वी राइट दैट ओके जी हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को जो है वो डेफिनेटेड डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेट डेरिवेटिव से। सो वी राइट डी पी बाय डी जी इंस्टेड ऑफ पार्शियल पी बाय पार्शियल जी इक्वल्स टू माइनस गैमा। फिर लास्टली हमने लास्ट वीक में ही इस इक्वेशन की एक्सपेंशन डिस्कस की कि अगर हमारे पास दो तरह से इसको हमने एक्सपेंड किया कि अगर हमारे पास डेंसिटी कॉन्स्टेंट है रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो फिर ये कैसे एक्सपेंड होगी। And the other case was when density was not constant, that is rho is not equal to variable when the fluid is compressible. Okay, compressibility effects are considerable. Okay, so we just wrote that. Okay, this expansion kis tarah se hogi wo humne discuss kar liye. Based on this expansion of rho equals to constant, we conclude that the pressure equals to माइनस गैमा एच एट एनी लोकेशन। और फिर इसकी बेस पे हमने इस डेरिवेशन की बेस पे वी डिफाइंड मैनोमीट्री विच इज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, वन इज पिजोमीटर ट्यूब, अदर वन इज यू ट्यूब मैनोमीटर एंड द थर्ड वन वॉज इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, और आप सबको उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से हो गई थी।
तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रीवियस वीक, ठीक है, इस प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो, ये हमने जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर ली उसकी, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो बताएं। नो सर। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन वी सॉल्व्ड अ सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनोमेट्री इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमने कहा कि एक हमारे पास टैंक है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है विद एयर, एयर बीइंग द गैस, और फिर उसके साथ हम एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से, उस हवाले से हमने डिस्कशन की, उस प्रॉब्लम को बड़ी डिटेल में सॉल्व किया, उसकी डिफरेंट वेरिएशन देखी। फर्दर एक और प्रॉब्लम इसी हवाले से हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। In the second problem, what we have is, we have a closed cylindrical tank filled with water and the top of the tank is hemispherical, ठीक है, and it is connected to an inverted piping system as shown in the figure, आपको figure में नज़र आ रहा होगा। The top part पे liquid है, उसकी specific gravity 0.8 है, यानी ये जो green में line draw कर रहा हूँ, इस half के अंदर जो fluid है that has specific gravity of 0.8, ठीक है, इसके अलावा ट्यूब के अंदर जो दूसरा फ्लूइड मौजूद है दैट इज वाटर, ठीक है, एंड देयर मेनी पार्ट ऑफ द सिस्टम आर फिल्ड विद वाटर। अगर जो प्रेशर गेज जो पॉइंट ए पे हमने लगाई हुई है विच इज मेजरिंग प्रेशर एज 60 किलो पास्कल, डिटरमिन द प्रेशर इन पाइप बी, ठीक है, ये पॉइंट बी जो है आपके पास यहाँ पे आपने प्रेशर बताना है, and the pressure head in millimeter of mercury at the top of the dome at point C, yani point C pe aapne pressure head batana hai, pressure ki value nahi batani, pressure head batana hai in millimeters of mercury, theek hai ji, samajh aa gayi problem statement, isme koi confusion to nahi hai, क्लियर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर है सर। ओके जी, अब वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमने पॉइंट बी पे जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एनीवन जिसको अंदाजा होगा पॉइंट बी पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, यूट्यूब मैनोमीटर हमने पढ़ा था और उसमें हमने बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी किस तरह से मैनोमीटर्स में हम जो है वो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। सर स्टार्टिंग पॉइंट बताइएगा किधर से है? जी यही तो आपकी इसके अंदर एक कंसर्न है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा। वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर देयर इज सम नोन वैल्यू एंड देन वी टेक दैट पॉइंट एज रेफरेंस और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमें कहाँ पे नॉन वैल्यू है हमारे पास? ए पे सर। यस, पॉइंट ए इज नॉन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट सी एज अ रेफरेंस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और फिर वी राइट जी, ओके, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन जी, पी ए हमें लिखना चाहिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देन वी मूव इन विच डायरेक्शन? वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए, वी कम टू दिस कनेक्शन, जितना हम, क्योंकि हम ये पहले डिसाइड कर चुके हैं कि वाटर सरफेस या शेप ऑफ द कंटेनर जो प्रेशर को इफेक्ट नहीं करती, द ओनली थिंग दैट अफेक्ट्स द प्रेशर इज, क्या चीज इफेक्ट करती है प्रेशर को सर? हाइट, द फ्लूइड एंड द हाइट और द एलिवेशन, ठीक है। तो अब हम सेम फ्लूइड के अंदर जितनी हाइट हम नीचे आई हैं वापस उतनी ही हाइट हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही है, 5 मीटर हम डाउनवर्ड आए हैं, 5 मीटर हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लिख भी लें उसको इक्वेशन में कि 5 into स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर प्लस में आएगा फिर माइनस में 5 into, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत है जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की। उसके बाद हम जो सेकेंड फ्लूइड है जिसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है जिसकी, उसके अंदर मूव कर रहे हैं हम 4 मीटर अपवर्ड्स एंड अगेन 4 मीटर डाउनवर्ड मूव करके हम रुक जाते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने?
क्योंकि इस यू में हमारे पास अगेन वही फिनोमेनल, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उस फ्लूइड के अंदर उतना ही वापस हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, जितना प्रेशर ऐड होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दिस 3 meters, ऐसे ही है जी, समझ आ रही है बात? दिस 3 meter, यस सर। सो विल वी ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट? ऐड। डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड्स इंक्रीज होता है, सो वी विल राइट प्लस गैमा ऑफ दिस फ्लूइड। गैमा क्या होगा इस फ्लूइड का? क्योंकि प्रेशर तो गैमा इनटू एलिवेशन होता है ना, गैमा क्या है इस फ्लूइड का? स्पेसिफिक वेट, हमें सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस इक्वल होती है जी, कुछ याद है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यस सर किसके इक्वल है? वो सर फ्लूइड, फ्लूइड density of fluid over fluid density of water at 44 या फिर specific weight of the fluid divided by specific weight of water, ऐसा ही है जी। क्योंकि अगर density को हम gravity से multiply कर दें specific weight बन जाता है, तो दोनों ऊपर नीचे constant ही हो जाएंगे, तो specific weight के साथ भी हम लिख सकते हैं इसको, उस वक्त भी बात हमने discuss की। तो so gamma of fluid क्या हो जाएगा? specific gravity of the fluid into gamma of water equals to gamma of fluid. तो gamma of fluid की जगह हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है? जहाँ पर भी हमें किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी, हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से, तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा। सो वी राइट 0.8 व्हिच इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गिवन फ्लूइड इनटू गैमा ऑफ वाटर व्हिच इज, क्या है गैमा ऑफ वाटर जी, कुछ ज्यादा वैल्यू क्या होगा गैमा ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000 गैमा ऑफ वाटर 1 होती है सर। गैमा ऑफ वाटर इज 1 वाट, यूनिट्स के साथ बताना है आपने। 1000 क्या होती है जी? 1000 इज डेंसिटी, किस यूनिट्स में बता रहे हैं आप? तो 1 kN/m³ अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है? 1 × 10³ N/m³, ठीक है? यहाँ पे 9.81 अगर आप डेंसिटी जो है वो 9.81 के साथ मल्टीप्लाई करें ग्रेविटी के साथ, ठीक है? सो 9.81 कॉमन फ्लूइड्स के, अब आपको याद होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है? वाटर हो गया, मर्करी हो गया, इनकी आपको ये वैल्यूज याद होना शुरू हो जानी चाहिए। 9.81 × 10³ N/m³, तो ये स्पेसिफिक वेट आ जाएगा आपके फ्लूइड का मल्टीप्लाई बाय द एलिवेशन, दैट इज 3, ठीक है? जितनी इसने डेप्थ कवर की, दैट इज 3। उसके बाद आगे जी कौन सी वैल्यू आएगी फिर? देन वी हैव मूव्ड डाउन 2 meters इन द वाटर, पानी के अंदर ये 2 meters हम आ रहे हैं, ऐसे ही है यहाँ पे। सो विल राइट प्लस स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 × 10³ यूनिट्स विल बी अगेन N/m³ मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक हो गया जी, समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। समझ आ गई। पी ए इज नोन एज 60 kPa, 60 × 10³ Pa, तो यूनिट कंसिस्टेंट हो गए यहाँ पे। सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताएं जी। पी बी की वैल्यू, पी बी वुड बी इक्वल टू
कैलकुलेट कर लीजिए जी पीबी की वैल्यू. That would be equal to 103 kilopascals. ठीक है. ये वैल्यू आ रही है जी, किसी ने अगर कैलकुलेट की है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट तो नहीं आ रही. Then point part B of this problem. Pressure head that is HC, आपने बताना है at point C is unknown. Calculate कर लेंगे जी head of pressure at point C. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको मेरी? यस सर. हाँ तो पॉइंट सी पे फिर प्रेशर हेड कैलकुलेट हो जाएगा सर. सेम ही करेंगे ना सारा प्रोसीजर, सिर्फ उधर प्लस कर देंगे सी और पीबी की वैल्यू को यूज करेंगे. किस तरह से कैलकुलेट होगा, एनी आइडियाज? We know pressure at point C would be equal to 1 watt. ये point C पे pressure किसके equal होगा? So sum of all the pressures. The sum of all the pressures का मतलब है मैं फिर PB से start करता हूँ, ठीक है? फिर tube में वापस आता हूँ, सारा कुछ लिखता हूँ, दोबारा से आके point A पे पहुँच जाता हूँ और फिर पॉइंट सी पे चला जाता हूँ, ऐसे ही? यस सर. लेकिन मुझे ये पता है, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ अभी, पॉइंट ए पे तो पता है लाइट ग्रीन कलर में, ठीक है? यहाँ से देखें, नजर आ रही है लाइन? ये नजर नहीं आ रही होगी आपको, ये मैरून से कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सर? पता चल गया. ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, इस लाइन के ऊपर प्रेशर क्या होगा सर? जो बी का प्रेशर होगा 103 kilopascals. तो इसका मतलब मैं ट्यूब में जितना मर्जी घूम के इस पॉइंट पे आ दूं, अगेन मुझे प्रेशर क्या मिलेगा इस पॉइंट पे आके? सेम मिलेगा. उसके बाद दोबारा से मैं सेम कॉलम के अंदर, यानी जितना यहाँ पे नीचे आया हूँ वापस उतना ऊपर जा मैं घूम के आऊँ दोबारा से, ठीक है? यहाँ पे भी प्रेशर 60 किलो पास्कल मुझे नोन है, सिर्फ मुझे 60 किलो पास्कल से यहाँ तक की इक्वेशन लिखनी है पॉइंट सी तक की, ठीक है? ओके सर. सो पीसी वुड बी इक्वल टू पीए माइनस पी माइनस व्हाट? 3 इज द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर. यस एंड गामा द एलिवेशन वाटर इनटू गामा ऑफ वाटर. जल्दी से पीसी कैलकुलेट करके बताएं मुझे जी. ये तो प्रेशर आ जाएगा पॉइंट सी पे हमारे पास, इन किलो पास्कल बताना है आपने, ठीक है? सो पीसी वुड बी इक्वल टू 60 माइनस 3 इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर व्हिच इज 9.81, ठीक है? दैट वुड बी 30.57 किलो न्यूटन किलो पास्कल्स, ठीक है? 0.57 ही हम इसको लिखते हैं, 0.6 किलो पास्कल्स. दिस इज पीसी. लेकिन हमें चाहिए हेड्स at point C
इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हमें किस फॉर्म में चाहिए, इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेशर हमें पॉइंट सी पे पता है, हमें मर्करी का वो कॉलम की हाइट बतानी है जो ये प्रेशर एग्जर्ट करे. ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एचसी विद रिस्पेक्ट टू मर्करी फ्लूइड, मर्करी बीइंग द लिक्विड शुड बी इन मिलीमीटर्स. जी कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पीसी को, 180 एटीएम प्रेशर 10 13 25 पास के साथ मल्टीप्लाई करके और सर डिवाइड करके और 760 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीग्राम वाजी आ जाएगा. इतनी मुश्किल इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, वी नो के जी प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड. सर 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.05 एमएम ऑफ एचसी. ठीक है जी, into height of the fluid. In this case, the pressure is known to us as PC. The fluid which we want should be, कौन सा fluid होना चाहिए जी? So mercury. Mercury. So this will give height of mercury. ऐसा ही है? This will give us height at point C in terms of mercury. अगर हम gamma fluid water का use करते तो हमें height आ जाती in terms of water. तो जो प्रेशर हेड हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मर्करी दैट वुड बी इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्करी. पीसी इज 30.6. स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्करी इज, किसी को याद हो कितना होता है मर्करी का स्पेसिफिक वेट इन एसआई यूनिट्स? इट इज 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो हमारे पास ये आ जाएंगे मीटर्स में आंसर 0.23 मीटर्स. ठीक है, 0.23 मीटर्स, यानी 0.23 मीटर का जो कॉलम होगा वो 30.6 किलो पास्कल्स का प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एग्जर्ट करेगा. अदरवाइज को हम अगर मिलीमीटर्स में लिखें तो दैट वुड बी इक्वल टू 230 मिलीमीटर्स, यानी 230 मिलीमीटर का कॉलम चाहिए हमें मर्करी का, इतनी हाइट चाहिए जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी. क्लियर है जी? इज इट क्लियर? यस सर. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम जी? किसी को प्रॉब्लम की समझ ना आई हो, इस न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो, एनीवन? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास जी, वी हैव अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलें जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें. यस सर. ओके, वी हैव अ टैंक दैट इज फिल्ड विद एयर एंड वाटर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉप कॉलम में एयर है और उसके बाद हमारे पास वाटर है. मूविंग इन दिस टैंक वी हैव अ यूट्यूब कनेक्टेड. ठीक है, विद एन एलिवेशन ऑफ 1 फीट 4 फीट एंड 2 फीट. इसमें भी जो फ्लूइड चेंज हो रहा है हमारे पास, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.9 का फ्लूइड मौजूद है आफ्टर सम हाइट. सो यू नीड टू डिटरमिन द प्रेशर ऑफ द वाटर गैमा इक्वल्स इन पाइप ए. ठीक है, पाइप ए में आपने प्रेशर डिटरमिन करना है. अगर गेज जो प्रेशर टैंक के ऊपर लगी हुई है, जो एयर टैंक के ऊपर लगी हुई है, जिसका वो प्रेशर शो करिए 2 PSI का. ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए. गेज जो है वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी इसमें. व्हाट वी हैव इज अ टैंक जिसमें यहाँ पे एक गेज लगी हुई है और इसी टैंक के साथ हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर दो तरह के फ्लूइड्स मौजूद हैं.
और ये हमारा पॉइंट ये इस पे जो प्रेशर दैट इज पीएसआई में आ रहा है एज टू ठीक है इस कॉलम से ऊपर जो है हमारे पास एयर है here we have water इस YouTube के अंदर हमारे पास वाटर मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और ये जो एलिवेशन है दैट इज जो अबव है उससे वो 1 feet है देन वी हैव अ गेज फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.9 और इसमें हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं 4 feet इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेट्स से गेज फ्लूइड है जिसमें हम आ रहे हैं इस तरह से करके नीचे की तरफ और ये जो एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज 4 feet दिस इज 4 feet और फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास वाटर है विद एलिवेशन डिफरेंस ऑफ 2 feet फिर यहाँ पे हमारे पास वाटर आ गया विद एलिवेशन डिफरेंस ऑफ 2 feet ठीक है जी गेज फ्लूइड दैट इज शोइंग एज 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर है जी What you need to do is calculate pressure at point A. तो उसके लिए हम start कहाँ से करेंगे? यहाँ value known होगी. जी जहाँ पे value known and where it is known? Gauge. At the gauge यहाँ पे. ठीक है? Here we have known value. Pressure is known as 2 psi. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते आपको अंदाजा होगा कि जो एयर प्रेशर्स हैं हमने पहले बात की गैसेस के प्रेशर्स बड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स ठीक है तो ये जो 2 psi का प्रेशर ये बड़ा स्मॉल वैल्यू है तो अभी हम सॉल्व करते हुए देखेंगे अगर हम इसको इग्नोर कर देते और यहाँ से स्टार्ट करते एट वाटर सर्फेस तब भी कोई इशू नहीं होता ठीक है इस वाटर सर्फेस के ऊपर हमारे पास कौन कितना प्रेशर होगा जी तो बता सकते हैं जो वाटर सरफेस है टैंक के अंदर यहाँ पे कितना प्रेशर होगा और 2 psi होगा सर 2 psi होगा ठीक है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब ये आपने ख्याल करना है कि पूरी प्रॉब्लम के अंदर जो यूनिट्स हैं वो फीट के साथ लिखे हुए नजर आ रही हैं आपको जो आपने गैमा की वैल्यू यूज करनी है वो भी फीट पर क्यूब में दी हुई है पाउंड पर फीट क्यूब में बट ये जो प्रेशर वैल्यू दिस इज इन PSI पाउंड पर इंच स्क्वायर ठीक है तो इसको आपने कन्वर्ट करना है PSI से पाउंड पर इंच स्क्वायर से पाउंड पर फीट स्क्वायर में या बाकी सब यूनिट्स को फिर रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको पाउंड पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें ठीक है जी कर लेंगे कन्वर्ट क्या कन्वर्ट होती है 1 feet इज 12 inches तो 2 psi इज हाउ मच पाउंड पर फीट स्क्वायर बता सकते हैं वैल्यू जी एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दें PSI में आपको गिवन है वैल्यू ठीक है 2 PSI इज पाउंड पर इंच स्क्वायर दिस इज PSI इज पाउंड पर इंच स्क्वायर 288 नीड टू कन्वर्ट इट टू पाउंड पर फीट स्क्वायर जबकि आपको ये पता है कि फीट और जो इंचेस उनका रिलेशनशिप क्यों पाउंड को तो आपने चेंज नहीं करना है आपने इंचेस को कन्वर्ट करना है फीट में
आपको ये पता है कि इंचेस का जो रिलेशन है फीट के साथ, दैट इज 12 इंचेस इन 1 फीट, तो क्या कन्वर्जन होगी, कितने पाउंड पर फीट से बनेगा ये प्रेशर? जी 288 ही बनेगा, सब लोगों को समझ आ रही? सबको समझ आ गई जी 288 किस तरह बनेगा? यस सर। दो सर। यस सर। अ फीट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इंच स्क्वायर जी? 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंच स्क्वायर, ठीक है? एंड यू जस्ट multiply 2 with 144 inch square and you divide it with the same value, koi fark padega? main bahut simple tarike se samjha raha hu, itne simple se samjhana nahi chahiye waise, lekin chale fir bhi theek hai. niche wale jo 144 inch square hai ye kya ban jayenge? feet square, इसको हम फीट स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके पहले इसके यूनिट्स क्या थे? पाउंड पर इंच स्केयर. दिस इंच स्केयर विल कैंसिल विद दिस इंच स्केयर एंड वी विल हैव 288 पाउंड पर फीट स्केयर, ठीक है? समझ आ गई बात? क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद सिंपली आपने पॉइंट पी से पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, व्हिच इज 288. टॉप सरफेस से स्टार्ट किया प्लस वाटर सरफेस में डाउनवर्ड्स आए, फिर वापस उतना ही ऊपर जाना है, ठीक है? तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ जो डिफरेंस है दैट इज 1 फीट, ठीक है? तो वो राइट 1 फीट इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर व्हिच इज 62.4 पाउंड पर फीट स्क्वायर क्यूब. 62.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट वी गो इन दी गेज फ्लूइड के अंदर चले गए हम, ठीक है? वापस और कितना डाउनवर्ड्स आए हैं? 4 फीट. ये प्लस साइन होना चाहिए माइनस जी, ये वाला जो है इसको मैंने सर्कल किया है, इट शुड बी नेगेटिव. हम अपवर्ड्स गए हैं, ठीक है? रेफरेंस से हम ऊपर की तरफ गए तो शुड बी नेगेटिव. देन वी हैव प्लस बिकॉज वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स विद 4 फीट इनटू 0.9 इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विच इज 62.4, ठीक है? और उसके बाद फर्दर हम देखें तो उतना ही हमने 2 फीट के कॉलम में हम दोबारा से नीचे आए वाटर के, ठीक है? ये लिखना चाहिए 2 फीट मुझे कि नहीं लिखना चाहिए? जी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए 2 फीट वाला कॉलम? विल दिस एड अप? आवाज आ रही है जी आप लोगों को? लिखना चाहिए जी, बिल्कुल इसको लिखना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट कटिंग एट एनी प्लेस. वो जो हमने कट किया था वो इस लेवल के साथ कट किया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको लिखना है प्लस 2 इंटू 62.4. दिस शुड बी इक्वल टू पी ए, ठीक है? तमाम वैल्यूज आपको नोन है, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. एनी क्वेश्चन जी, कोई चीज में समझ ना आई हो प्लस माइनस करके आप आंसर लिख सकते हैं एट पॉइंट ए, जो भी वैल्यू आएगी. एनी क्वेश्चन जी इन दिस?
क्वेश्चन मुझे इस प्रॉब्लम में समझ ना आई हो. क्लियर है? यस सर. चलें इस नेक्स्ट क्लास में इस रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो हम एक असाइनमेंट भी इस हवाले से आपको असाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम अगली ही क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी सर, इसका आंसर बता दें आपके पास क्या है. सिंपली मल्टीप्लाई करना, मैंने सॉल्व नहीं की, मेरे पास इसका सॉल्व सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त. मैं आपको बता दूं, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है द वैल्यूज 288 माइनस 62.4 प्लस 4 इनटू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 62.4 प्लस 2 इनटू 62.4 575 पाउंड पर फीट स्क्वायर. ठीक है जी, 575 पाउंड. जी सर, जी सर, जी सर. ओके जी, एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी कोई भी आपकी. ठीक है जी. ओके सर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी. अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात अब फ्राइडे को होगी. ठीक है सर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.